भैया मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। मैं कल से भूखा हूँ, मैं कुछ नहीं खाया हूँ, मैं कल से भूखा प्यासा ऐसे ही हूँ। मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, सिर्फ 500 रुपया बचा है। अब मैं क्या करूँ भैया? भैया मेरी मदद करो, आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, सबसे पैसा मांग मांग के तक गया हूँ। अब कोई नहीं है, मेरी मदद करो भैया। कोई भी सॉन्ग लिखवाना है, मैं किसी से फ्री में पैसा नहीं मांग रहा हूँ। आप लोग सॉन्ग लिखवाइए ताकि मैं इस भाई की मदद कर सकूँ। यदि आप मेरे से कोई भी सॉन्ग लिखवाना चाहते हैं, पेमेंट कीजिए, आपको गाना मिलेगा। मैं अपना राइटर रखा हूँ, मेरा राइटर गाना बना के देगा और वो आपको तुरंत का तुरंत गाना 4 घंटे 5 घंटे में मिल जाएगा। और इस भाई का मदद भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है। जो भी पैसे थे मैंने घर पे दे दिया मम्मी पापा को। खेती बाड़ी का समय चल रहा है, खेती बाड़ी में पैसा लगा। मेरा 2 भाई बाहर रहते हैं कहीं पे किसी काम की वजह से, उनके पास भी मैंने कई कितने सारे पैसे भेज दिए खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। मेरी बहन है, क्या मैं अपनी स्थिति बताऊँ आपको? समझ सकते हैं कि जिसका जितना इनकम होता है उसका उतना खर्चा होता है। अभी मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट करने के लिए आपसे फ्री में नहीं मांग रहा हूँ। आप गाना लिखवाइए, पेमेंट कीजिए, पेमेंट कर कीजिएगा, ये पेमेंट मैं इस भाई को दे दूंगा। क्योंकि किसी के लिए भी माता पिता सबसे जीवन का अजीत संपत्ति होता है। देखिए मैसेज का मैसेज बेचारा कर रहा है, ठीक है ना? दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मैं इस पर चर्चा करने के लिए आपके सामने बिल्कुल नहीं आया हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में क्या सोचते हो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप मेरे सिंगर हो, राइटर हो, और यदि आपकी सोच मेरे लिए फरेबी वाला सोच है कि नहीं गुड्डू गोल्डन फरेबी है, मक्कार है, गद्दार है, तो आप गलत सोचते हैं। और ऐसा इल्जाम लगाने से पहले आप अपने गिरिबान में एक बार जरूर झांक कर देखिएगा। आप खुद से सवाल पूछिएगा, क्या आप सही हैं? अगर हम दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या हम उस जगह पे सही हैं। और जब आप सही नहीं है तो किसी पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? एक चीज हमारे इंडिया में होता है, दशहरे के समय में रावण को जलाया जाता है। जब दशमी होता है, विजयादशमी, उस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। तब रावण वो चीख चीख कर आग में जलता हुआ पूछता है कि जरा हमें भी बताओ कि इसमें राम कौन है। रावण भी चीख चीख कर पूछता है वहां पे कि बताओ इसमें से राम कौन है। ये चीजें यहाँ पे अगर हम किसी की तरफ ऐसे करते हैं ना, ऐसे उंगली उठाते हैं कि तुम ऐसा है, तो उससे पहले हमारी ये देखो तीन तीन उंगलियां ना हमारे तरफ घूमती है, और एक उंगली अगर आप किसी और की तरफ उठाओगे, 3 उंगली आपसे सवाल पूछती है, आप सही हो? नहीं हो ना। गुड्डू गोल्डन को फरेबी और मक्कार समझने से पहले ना आप अपनी आँख की पट्टी खोल लीजिए। आँख पे पट्टी बांध कर यूं नहीं होता है, मैं मदद करता हूँ। मैंने अभी तक नहीं तो कम से कम 50,000 से लेकर 70,000 80,000 लाख रुपए के आसपास तक लोगों का मदद कर दिया हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा तभी आपको यकीन होगा ना। देखिए भैया 3-4 हज़ार रुपया और चाहिए, करण किस्मत वाला जी का मैसेज आ गया, अभी वीडियो बनाते पीरियड में मैसेज आ गया। अभी आपको मैसेज का यहाँ पे सुनाई दिया होगा, आवाज़ किया होगा तो आ गया। कहाँ से दूंगा, कहाँ से दूंगा मैं? फिर भी कहीं से व्यवस्था करके देता हूँ मैं। इनको कल भी पैसे दिए थे आपको। दुनिया वो हो गई है ना दोस्त, कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं ना, तो एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड। भैया मैं बहुत परेशान हूँ, आ रहा है मैसेज कि भैया मैं बहुत परेशान, इनके पापा जी का एक्सीडेंट हो गया है और इन्होंने कल मेरे से पैसे की गुजारिश की कि दोस्त रोने लगे फोन करके कि पैसे उसे मुझे दीजिए। मैंने इनको 1,000 रुपया भेजा, पहले 500 भेजा, फिर 500 भेजा, फिर इनको 2,000 भेजा, 3,000 रुपया कल हो गया। रोने की इमोजी और हाथ जोड़कर इमोजी भेज रहे हैं। मेरे पास तो खुद अपने अभी फिलहाल पैसा नहीं है, मेरी भी परिवार है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई समस्या नहीं है। पैसा हर चीज़ नहीं होता है, पैसे के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ होता है। और ये बंदा मेरे समय पर कभी मदद किया था और मैं इनके लिए खड़ा हुआ, लेकिन इन्होंने जो भी मदद मुझे किया था मैं वो चुका चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं, इनके पापा का एक्सीडेंट हुआ, इनकी मम्मी का हालत गंभीर है, क्या मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग डालूँ, आपको दिखाऊँ कि मैंने इतना पैसा फलाने को दिया, चिल्लाने को दिया, तब आपको यकीन होगा? ऐसे यकीन नहीं होगा आपको। अब मुझे भी लगता है कि दुनिया की तरह फरेबी बनना पड़ेगा। जो इंसान फरेबी नहीं है उसको, आप कई सारे लोग मेरे पास पेमेंट किए हैं, गाना टाइम से नहीं पहुंच पाता है तो फोन करने लगते हैं, भैया गाना टाइम से नहीं पहुंचा। 4500 का ब्लड खरीदना है, 4500 का ब्लड खरीदना, इनके पापा को ब्लड चढ़ाना है और 4500 का ब्लड खरीदना है इनको। तो फरेबी बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। आपका गाना का टाइम से आपके पास नहीं पहुंच रहा है ना, तो आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए कि हाँ बंदा कहीं प्रॉब्लम में पड़ गया होगा, कोई मुसीबत में फंस गया होगा, कोई ना कोई सिचुएशन होगी जिसके कारण से वो गाना नहीं भेज पा रहा है। समझा करो बात को, खुदा ना खास्ता कहीं आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो जाए। जिंदगी है जनाब, और इसमें कब घटनाएं कौन सी हो जाए किसी को पता नहीं है। तो फरेबी बोलने से पहले ये जरूर याद रखना कि गुड्डू गोल्डन नाम है,
और गोल्ड का मतलब सोना होता है, सोना टूट जाए फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। मुझे आपको अपना चरित्र का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जो ये गलत थिंकिंग बिठा के रख लिए हैं कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग, कि गुड्डू गोल्डन फरेबी है। एक राइटर साहब का तो कहना ये है कि भैया भैया मैं अभी कॉल, एक सेकंड रुक जाइए, भैया मैं अभी कॉल से बात नहीं कर सकता, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये सिचुएशन खुदा ना खास्ता कहीं आपके साथ ना हो जाए और उस समय गुड्डू गोल्डन को आप मदद के लिए बोलो तो क्या पता गुड्डू गोल्डन इनकार कर जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लिख रहे हैं, तो इसलिए आप फरेबी बोलने से पहले सोच लिया करो, समझ लिया करो हम किसे बोल रहे हैं। और मैं अपना अभी भी चरित्र का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा कि मैंने, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊं, क्या बताया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी से मांग भी नहीं सकता गुड्डू गोल्डन, स्वाभिमानी जो ठहरा है, स्वाभिमानी जो मैं ठहरा कि किसी से मांग भी नहीं सकता कि नहीं भैया मुझे 2,000 रुपये दे दो, भैया मुझे 4,000 दे दो, भैया मुझे, मेहनत मेहनत का कमाता हूँ खाता हूँ। गुड्डू गोल्डन से सबको जरूरत है, गुड्डू गोल्डन से सबको जरूरत है, लेकिन जब इस बंदे को जरूरत पड़ेगी ना किसी की, ठेंगा दिखा देगा। बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, हमारा जो सिंगर है ना एक परिवार है, और जब किसी भी सिंगर को कोई भी समस्या होती है ना, किसी भी राइटर को कोई भी समस्या होती है ना, तो मैं उसके लिए जरूर खड़ा होता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका वीडियो बनाऊँ, उसका कॉल रिकॉर्डिंग करूँ, उसका सब कुछ करके आपको दिखाऊँ, तब मैं अच्छा कहलाने के लिए, भाई मदद करना है गुप्त करो, ऊपर वाला देख रहा है, दिखाकर मदद किया जाए वो मदद नहीं है, वो तो पब्लिसिटी के लिए। अगर मैं दिखा के करूँ ना तो आज मेरा यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल होता, मैं जितना मदद मैं करता हूँ उतना, ठीक है, आवश्यकता से ज़्यादा मदद करता हूँ लोगों का, फिर भी लोग फरेबी नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो बना के नहीं डालता, मैं लोगों को बताता नहीं कि मैंने फलाने को इतना रुपया दिया, इतना पैसे दिए। रुपया पैसा जहां नहीं दे पाता हूं अपने शरीर से मेहनत करता हूं, और जहां रुपये पैसे की जरूरत होती है वहां रुपये पैसे से करता हूं। जहां मेरा अगर लिंक लांक है वहां पर लिंक लांक लगवा के मदद करता हूं, सिंगर हो, राइटर हो, या कोई आम व्यक्ति हो, किसी के लिए। फिर भी ऐसे इल्जाम देखने को सुनने को मिलता रहता है। राइटर साहब बोला तो बात बता ही नहीं, राइटर साहब का, राइटर साहब को हम बोले थे कि कुछ गाना वाना लिखिए मुझे भेजिए, राइटर साहब मेरे को गाना वाना लिख के भेजे, कम से कम 10-12 गाना भेजे, लेकिन उनका गाना मैं न देखे अपना गाना बेचा इस भाई को पैसा देने के लिए, जो भाई अभी कर रहे हैं, कि मैं अपना गाना बेचूंगा तो ये पैसा उनको नहीं देना पड़ेगा, और जो भी पैसा होगा वो अपने, मैं सिंगर को जो करण किस्मत वाला जी हैं उनके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, माताजी का भी तबीयत खराब है, तो उसमें मैं पैसे दे दूंगा। तो ये भाई साहब का कहना है कि आप इतना पैसा कमाते हैं, अभी तक आप 1 भी रुपया नहीं मारे। 2 दिन से मैं इनको बोल रहा हूँ आज पेमेंट कर दूंगा, कल पेमेंट कर दूंगा, हादसा ये हो गया बीच में, इनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, इनको पेमेंट नहीं कर पाया। एक रवि जी हैं, वो भी मुकेश माही के कोई मतलब भाई लगते हैं या कुछ लगते हैं, उन्होंने 500 रुपया पेमेंट किया है, उनका गाना मैं अभी तक लिख के नहीं दिया। और 3-4 लोग ऐसे हैं, कन्हैया गिरी हैं, उनका भी मैंने गाना लिख के नहीं दिया। तो ये सारे लोग मुझे फरेबी समझ लेते हैं क्योंकि उनका समझना काम है, लेकिन प्रॉब्लम सिचुएशन मजबूरी नहीं समझेंगे किसी की, कोई ना कोई ऐसी बात होगी। भाई हर किसी के जीवन में माता पिता बहुत अजीज संपत्ति होता है, और मैं आपके बुरा बोलने की वजह से किसी के माता पिता को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मेरा जो दायित्व है मैं कर रहा हूँ, और मैं बहुत परेशान हूँ, तो इसलिए आप मुझे फरेबी और ये मकार नाम देकर ना मुझे और परेशान करने की कोशिश नहीं करें। सिचुएशन को समझिए कि समस्या सबके साथ होती है, समस्या बता कर नहीं आती कि मैं आ रहा हूँ तुम तैयार हो जाओ, चाहे तुम ये कर लो वो कर लो। देखिए आप लोग समझिए इस चीज़ को, बहुत दुखी दुखी मन से आप सभी को ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। रुपया पैसा जीवन में सब कुछ नहीं होता है, और गुड्डू गोल्डन अगर आपको 500 लिया है ना तो 5,000 का काम करके आपको देगा, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपका 2 रुपया लियाऊंगा ना तो 20 रुपये का काम करके आपको दूंगा। गुड्डू गोल्डन सबका मदद किया करता रहेगा, दुनिया फरेबी बोले, मकार बोले, कुछ भी बोले, उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों को बनाकर एक बार सचेत करना चाहिए। अब आप ही सहारा हो भाई, चलिए ठीक है, मैं इनके लिए पैसे की कुछ जुगाड़ करने जा रहा हूँ। 3,000 रुपये अभी तक मैंने इनको दिया है, और मुझे इस चीज़ की भी उम्मीद नहीं है कि ये 3,000 रुपये मुझे मिलेगा नहीं मिला। और ऐसे 3,000 रुपये मैंने पता नहीं कितने सिंगरों को दिया होगा, अभी तक मैं 20 कॉल लगा लिया हूँ, 20 सिंगर राइटर को, कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, मेरा एक दोस्त है उसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। सब मेरे से जरूरत पड़ेगा तो मेरे पास फोन करेंगे कि गुड्डू भैया आप सपोर्ट नहीं करते हो, आप घमंडी हो, ये हो, फलाना हो, ढिमका हो। जब मेरी जरूरत की बारी आएगी तो आप कहाँ चले जाओगे, बिल में घुस जाओगे मुझ बन के। भाई सोचो समझो, ये सिचुएशन आपके साथ एक परिवार की तरह हम लोग रहना चाहते हैं, आप सिंगर राइटर समझते होगे, हम सिंगर राइटर नहीं समझते। आपके साथ भी यदि समस्या होगी एक बार गुड्डू गोल्डन को याद कर लेना, यदि आपकी समस्या उस तरह से होगी, मदद करने का अनुरूप होगी, मेरे पास अगर पैसे होंगे, रुपये होंगे, शरीर से जितना मेहनत हो सकता है मैं आपको जरूर करूंगा, ठीक है। और जहां तक रहा कि मैं अपने सपोर्ट की बात होती ना तो मैं नून चाट के मर जाऊंगा, लेकिन नहीं बोलता, लेकिन मैं किसी का दर्द नहीं देख सकता क्योंकि मैं गरीब परिवार का बच्चा हूं, और मुझे पता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है। गरीबी वो दलदल होती है जिसमें आदमी फंस जाता है ना, फिर निकलने की कोशिश जितना करता है उतना डूबता चला जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, जय राम जी की।